हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है होली, तो थोड़ा बहुत मैंने हस्बैंड ने लगा दिया है और अभी मैं किचन का काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और सबसे आप लोगों को हैप्पी होली मेरी तरफ से। और होली के उपलक्ष्य में नीचे पूरा प्रोग्राम हो रहा है, तो अभी मैं जस्ट आप लोगों को एक झलक दिखा दूँगी। नीचे फ़ोन लेके जाना हो खतरे से खाली है। अभी जस्ट हस्बैंड नीचे गए हैं और उन्होंने अभी फ़ोन दे के गए, क्योंकि वहाँ पे पाइप से पानी डालते हैं तो फ़ोन ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैं फ़ोन लेके नहीं जा पाऊँगी। लेकिन मैं आपको यहाँ से बालकनी से दिखा दूँगी कैसा होली चल रहा है यहाँ नीचे में, ठीक है। और मैं किचन में भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है, आज क्या क्या बनता है हमारे यहाँ। तो चलिए अभी बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और नीचे आप लोग को साउंड आ रहा होगा तो कॉपीराइट क्लेम भी आ जाएगा मेरे चैनल पे, तो वीडियो पे, इस वीडियो पे आ जाएगा। तो चलिए अभी चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या हो रहा है नीचे। उसके बाद किचन में देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया। मैं आप लोगों को मटन की रेसिपी देने वाली हूँ। और आज है होली, तो बिना मटन के तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, उसको मैरिनेट के लिए नींबू, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से उसको मिला लेंगे। और 1 कप दही फेटा हुआ जो है, गाढ़ा दही, उसको यूज़ करेंगे। और हाँ, साथ में गार्लिक और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है ना, उसको भी यूज़ करेंगे, तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छे से गलता है ऐसे करने से। तो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और उसके साथ साथ दूसरा काम कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने कुकर में बना रही हूँ तो बहुत जल्दी ये बन जाता है। यहाँ मैंने सारे गरम, खड़े गरम मसाला डाल दिया है। और उसके साथ मैं यहाँ पर 1/2 kg से ऊपर प्याज ली हूँ, जो कि ऐसे स्लाइस में काटा है मैंने, जो कि जल्दी गल जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं 3 हरी मिर्च जो कि स्प्लिट्स की हुई, उसको मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए एक लाल मिर्च पाउडर, उसको यूज़ किया है। और तीखी लाल मिर्च यूज़ की है और साथ में हल्दी, ये डाल के हम भून लेंगे। उसके बाद मैं गरम मसाला जो घर का बना होता है ना, उसको डाल के भून लूँगी, लेकिन थोड़ा सा पानी डालूँगी, गरम पानी, और उसको डाल के अच्छे से भून लूँगी। जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे तेल रिलीज़ हुआ और नमक भी मैंने ऐड कर दिया है साथ में। और इसके साथ मैं यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ मटन डाल दी हूँ, तो इसको एटलीस्ट 4 मिनट तेज़ आँच पर भून लेंगे। और उसके बाद 5-6 मिनट भूनने के बाद इसमें गरम पानी और थोड़ा लहसुन, थोड़ा आलू चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। और इसको मैं 3 सीटी लगाऊंगा, पहला सीटी तेज आंच पे और 2 सीटी को धीमे आंच पे। और उसके बाद मेरा ये मटन बहुत ही यम्मी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा, जिसको हम रोटी और चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप भी बनाएं, आप भी इंजॉय कीजिए। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो सब होली वगैरह खेलना हो गया, मैं ज़्यादा खेली नहीं, बस हस्बैंड ने लगाया, मुझे नहीं जाना हो पाया नीचे, क्योंकि मटन वगैरह बनाया मैंने, आपको रेसिपी दी। और न्यू अपडेट ये है कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रही थी और काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पर्सनल्स में, DM कर रहे थे लोग कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो रीज़न यही है कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ
गुजरात से हम भिलाई जा रहे हैं और वो शिफ्टिंग, और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये भी एक अपडेट है। तो बच्चों के 20 तक एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, उसके बाद मैं शिफ्टिंग चलेगा, तो उसकी तैयारी में हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। तो कोशिश करूँगी इस बीच में एक आध वीडियो डाल दूँगी। अभी ये वाली वीडियो मेरी कल चली जाएगी, तो चलिए अभी देखते हैं कि मैंने दिन भर में क्या बनाया था, खाया था, वो तो मैंने दिखाया भी, और कल भी मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी। 2-3 दिन से चली रहा है बनाने करने का सिलसिला, और क्या बोलें। और अभी बैठे हैं तैयार होके, तो देखते हैं अभी नीचे जाएंगे, अगर नीचे जाती हूँ तो आपको वीडियो दूंगी आगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग तीनों का आउटफिट देख लीजिए, ये रुद्र का है और ये रही रिद्धिमा, तो आज का इसका ये आउटफिट है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में शाम को नए कपड़े पहनने का ट्रेडिशन है, तो देखिए, और सूखे होली खेलने का ट्रेडिशन है। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ गए, मैं और रिद्धिमा, क्योंकि सुबह से हम कहीं बाहर नहीं निकले थे, रिद्धिमा और मैं कोई भी बाहर नहीं, खेलने भी नहीं गए हम लोग। तो यहाँ आके हमने थोड़ा कॉफ़ी वगैरह लिया और उसके बाद घर चल दिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी और आज हम पूरा दिन ऐसे ही बिताए, और पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे वीडियो व्लॉग के।